हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लीजिए, आज का जो ब्लॉग है उस पर मैं यहाँ पर जो मेरा किचन है ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तो मैं इसे साफ़ करूँगी अभी। और जो भी न्यू आते हैं ना उनका मोस्ट वेलकम है। आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी जो है ये जो मेरा किचन है यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा है। इंडक्शन और मेरा गैस का जो चूल्हा है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, तो मैं उसे साफ़ अभी कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर पोछा भी लगाना है, तो डेली का रूटीन है जो मेरा वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और फिर यहाँ पर मेरा जो किचन है ना वो एकदम छोटा सा है, गाँव का है, तो गाँव जैसा ही मेरा किचन है, कोई स्पेशल नहीं है, तो वही मैं दिखाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड। तो यहाँ पर जो है मैं अभी अपने किचन को मैंने जो जो पोछा था ना वो मैंने लगा लिया, और जो कपड़े हैं अभी जो है बारिश हो रही थी, और फिर जो बारिश हो रही थी ना तो आंगन में सारे कपड़े मैंने सुखाए थे, वो जो है मैं ये अंदर में मैंने सोचा सुखा दूं क्योंकि भीग जाएंगे ना इसलिए। तो क्या इस टाइम जो है झट से बारिश होने लगती है और झट से जो है धूप भी आ जाती है, तो अभी जो है बारिश होने लगी थी। और जब बारिश हो रही थी ना तो मैंने रील भी बनाया है बारिश के टाइम, और इससे पहले का जो ब्लॉग है उसमें मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि मैंने जो भी रील बना रही थी तो वो जो है मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक कमेंट करते हो, तो बहुत खुशी होती है हमें। और फिर ना जब मैंने जैसे ही सारे कपड़े उठा लिए तो फिर से धूप जो है आ गई, तो मैंने आंगन में अपनी साड़ी बस रख दी क्योंकि सूखती नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब साड़ी जो है ना ब्लॉग में आने के लिए पहनते हैं, डेली यूज वाला साड़ी हमारा। जो मैंने लौकी का जो पौधा लगाया था ना बहुत बड़ी हो चुकी है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया, तो उसमें जो है पानी दे दिया मैंने क्योंकि वो सूख जाती ना बारिश बारिश, मुझे पता नहीं था कि बारिश होगी कि नहीं, लेकिन ना वो उससे पहले मैंने जैसे ही पानी दिया था फिर बारिश होना स्टार्ट हो गया। तो जो है देखो आंगन थोड़े थोड़े से गीले हैं, और फिर चारा जो है ना मैं सुबह ही काट लिया था, तो क्या मेरी जो गाय है ना उनको देना होता है। अब जो भी मेरा डेली का रूटीन है फ्रेंड वही दिखाती हूँ, कभी मैं सामने से बात करके इसलिए नहीं आ पाती हूँ क्योंकि घर में काफ़ी सारे लोग हैं हमारे और सपोर्ट नहीं करते हैं इसलिए, तो बोलेंगे क्या कर रही है करके। तो गांव में ना जो लोग रहते हैं उन्हें पता होता है कि कैसे किन मुश्किलों से जो है किन हालातों को सामना करके जो है ब्लॉग बनाती हैं। तो देखिए जो मैंने दाल दाल जो है ना
सुखाया हुआ था, तो वो अच्छे से सूख गए हैं, तो उन्हें मैं डिब्बे में रख देती हूँ, क्योंकि इस टाइम जो है नमी पड़ जाती है, तो अगर दाल में ना नमी हो गई तो फिर दाल पकती नहीं अच्छे से जल्दी, तो इसलिए सुखा दिया तो अच्छा हो गया। अब मैं इसे डिब्बे में रख दूँ तो सेफ ही रहेगा, इसलिए मैं अब इसे डिब्बे में रख देती हूँ। तो ब्लॉग मील तक बने रहिएगा। अभी जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं डेली का रूटीन और क्या क्या करती हूँ। तो फ्रेंड अभी जो है ना बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और मैं शॉर्ट वीडियो बना रही थी मतलब इंस्टा के लिए, तो इंस्टा पर अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर दीजिए। तो मेरी इंस्टा आईडी जो है ब्लॉग विद गुड़िया ही है, तो वहाँ पर आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो क्या है जो रील बना रही थी वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। मुझे डांस वांस नहीं आता, बस थोड़े बहुत कोशिश करते रहती हूँ, और फिर ब्लॉग पसंद आता है तो आप लोग बताइएगा मुझे ज़रूर। और ना
जो आज का मेरा डेली का रूटीन था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो कैसा रहा मेरा ब्लॉग आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने मुझे मतलब इतना सपोर्ट करते इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आज मैं आप लोगों से ज़्यादा बातें नहीं कर पाई क्योंकि मेरे घर में आया मेहमान भी है ना, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी से जो है क्लिप एडिट करके वॉइस ओवर देना पड़ा क्योंकि मेहमान रहते हैं ना तो क्या है थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए। और फिर जो भी मेरा जो बर्तन वगैरह धोया और फिर पोछा लगाया वो सब मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब आ गई हूँ अपने किचन में, ये देखो ये है मेरा किचन जिसमें जो खाली खाली सब भरा पड़ा है हर जगह, मतलब खाली खाली है सॉरी। तो और जो मेरा लौकी का पौधा है ना वो बहुत बड़ा हो गया, बस वहीं पर मैं गई थी और फिर उसमें पानी दिया। और ये देखो फिर मैंने ना खेत गई थी, खेत में जो है ये देखो कदम के पौधे सॉरी पौधे बोल रहे पेड़ है बहुत बड़ा। यहाँ पर मैं खेत गई थी ना तो इसके जो छोटे छोटे फल है ना बहुत अच्छे लग रहे थे, सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये देखो अभी जो है पके नहीं है लेकिन इसकी चटनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर इसके जो ऊपर ना उधर उधर मेरा खेत है, तो ये देखो मैं खेत आ गई हूँ और इसी में मैंने खाद बोया था और देखो हरे भरे हो गए चारों तरफ। तो चलिए मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, मेरा खेत है ये।